मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मिट्स यूट्यूब फैमिलीज, आशा करता हूँ कि आप भले चंगे हैं। ठीक उसी तरह फेसबुक के द्वारा हमारे साथ मिले हुए सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हर दिन सुबह में परमेश्वर के वचन को आप सुन पाते हो, उसमें से पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया है इस काल में। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाला, जरा देखते हैं। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 2 वचन में, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ऐसा बताता है, आदि कलीसिया में जो है अक्सर एक साथ मिलकर उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे, तो एक दिन जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर उनसे बात करता है, जिस सेवकाई के लिए मैंने बुलाया है बरनबास और शाऊल को उन्हें अलग करके भेज दो। परमेश्वर ऐसा बात करता है। यह क्या बताता है, हरेक व्यक्ति को एक मार्ग परमेश्वर ने रखा है। मेरे लिए एक नया रास्ता है, आपके लिए एक नया रास्ता है। मेरे रास्ते में तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे रास्ते में मुझे नहीं आना चाहिए। तो इस सुबह के वक्त में हे परमेश्वर, मेरा रास्ता क्या है, ऐसा कहें तो उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर अन्य भाषा में बोलने के बाद भी जो है कभी कभी ठीक गाइडेंस परमेश्वर की ओर से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कुछ सालों तक जो है ऐसे ही घूम फिरते रहते हैं, फिर उसके बाद ही जो एक रास्ता खोज निकालते हैं। इस कारण बहुत सालों को वो छोड़ जाते हैं पीछे। तो आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपको एक आलोचना देना चाहता हूं। आज के दिन तुम्हारा मार्गदर्शन मुझे दीजिए। अक्सर जब मैं कहता हूं, एक ही वचन मेरे सामने आता है, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 14वें वचन में, जितने लोग परमेश्वर की आत्माएं चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अच्छी तरह अन्य भाषा में बोलकर, पवित्र आत्मा से भरकर, मेरे हृदय में, मेरे विचारों में, मेरे सोचों में जो जो चीजें मैंने बसी हुई है वो प्रकट ना हो, बल्कि तेरी ही इच्छा, तेरा हृदय ही मेरा हृदय है। ऐसे जब तुम प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आज का दिन जय का दिन बनकर रहेगा। आज के दिन, जो जो साल आने वाले हैं उन सभी सालों के लिए आज का दिन जय का दिन बनकर रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको समझ में आ गई होगी। इस वचन के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जब हम अभी प्रार्थना करेंगे तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हैं, हमारे पवित्र पिता, इस प्रार्थना के समय में तेरे बच्चों के लिए, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, उन्होंने जब उस दिन गीत गाकर प्रार्थना किया तो एक गाइडेंस पाया, उसी तरह जब प्रार्थना करें, फास्ट करें, एक मार्गदर्शन भी प्राप्त करें, तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। अब तक चलाने वाला परमेश्वर, आगे आने वाले दिनों में चलाकर तेरे नाम की महिमा करें। तेरे बच्चे कभी हार न जाए, पराजय कभी उनके पास ना आए, तेरी शांति नदी के रूप में उनके लिए बहता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। परमेश्वर आपसे बात करे, आपको सामर्थ्य बनाए, आप आनंदित होना। अभी आपको क्या करना चाहिए, जो आनंद आपने पाया है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कलीसिया के सभी अंग के लोगों को जो जरूर भेजें। ठीक है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करें तो इसी तरह हर दिन सुबह में 5:30 को आपके सेलफोन में डायरेक्ट आ जाएगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा। शाम के समय 5:30 बजे शाम के समय में अच्छा प्रार्थना होगा, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।